हेलो एवरीवन आई पी के चौधरी वेलकम यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर द डेल्टा यू डेल्टा एच ठीक है और डब्ल्यू इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ठीक है यानी डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का एंथेल्पी का और वर्क डन जो है एडियाबेटिक उसमें एक्सप्रेशन उनका फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम कर रहे हैं डेल्टा यू का ठीक है अब कंडीशन क्या है एडियाबैटिक एक्सटेंशन गिवन है एडियाबैटिक एक्सटेंशन एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है यानी ऐसी चीज जिसमें क्या हो ऐसा सिस्टम जहां पे क्या ना हो हीट चेंज ना हो यानी हीट जो है हमारी वो क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी यानी डेल क्यू इज देयर विल बी नो चेंज इन द हीट ऑफ द सिस्टम है ना यानी क्या वो हमारा अगर कांस्टेंट है एडियाबेटिक के केस में कांस्टेंट ही होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है क्या होता है डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू यही होता है ना फर्स्ट लॉ अब हमारे पास कैडियाबेटिक एक्सपेंशन गिवन है तो ये क्या हो जाएगा कर ली यानी जीरो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू किसके इक्वल है वर्क ठीक है वर्क किसके इक्वल है माइनस पी वी के है ना यानी डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी यानी मेरी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है नेगेटिव साइन आया तो वो क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है ठीक है अब हमारे पास हमने किया था लास्ट वीडियो में सीपी एंड सीवी है ना अब हम यूज करेंगे सीवी हीट कै स्पेसिफिक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो जरूर देखें ओके okay. सीवी हमारे पास होता है डी यू बाई डी टी ठीक है ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था ठीक in है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ये चीज है क्वल टू डी यू बाई डी टी ये है अब मैं क्या कर लू डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी ठीक है अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो डी यू वन से यू टू सीवी बाहर और डी टी का करेंगे तो टी वन से डी टू है ना ये करेंगे अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यू टू माइनस यू वन अपर माइनस ठीक है सी वी यहां क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन ठीक है तो इसको मैं डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ठीक है एक्सप्रेशन आ गया हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज करेगी इन एडियाबैटिक के केस में ठीक है अब डेरिवेशन करेंगे हम सेकेंड हमारे पास है डेल्टा एच ठीक है डेल्टा एच के केस में हम डिराइव करेंगे सेम डेल्टा एच इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने सेम हेडिंग है, है बस डेल्टा यू की जगह अब हम करेंगे डेल्टा एच का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एच इज इक्वल टू जो डेफिनेशन देता है कि एंथैल्पी होती क्या है एंथैल्पी क्या होती है जो हमारी इंटरनल एनर्जी है प्लस जो हमारे प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो एनर्जी है उनका सबका समप होती है हमारे पास एंड थेरेपी ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया अब इसको मैं क्या कर दूंगी डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूं डीएच इज इक्वल टू डी यू प्लस टीवी ठीक है डिफ्रेंशिएट किया है डेल्टा लगा लो या फिर आप क्या कर लो डी लगा लो डेल्टा ही लगा देंगे क्योंकि डेल्टा का हमारा यहाँ फॉर्मूला आया हुआ है अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास क्या है डी यू है डी यू का फॉर्मूला ये आया था ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी एंड पी वी ठीक है अब हमें पता है आइडल गैस के केस में आइडल गैस के केस में हमारा क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी ठीक है अगर मैं वन मोल केस ले लू वन मोल में क्या हो जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी यही होता है अब ये वैल्यूज मैं यहां पुट कर सकती हूं यानी पी वी की जगह आर टी पुट कर सकती हूँ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस डेल्टा ब्रैकेट में आर टी आर क्या है कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट तो इसको क्या करेंगे बाहर लिख लेंगे प्लस आर और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी ठीक है अब डेल्टा टी डेल्टा टी कॉमन है दोनों में से निकाल लू सीवी प्लस आर और डेल्टा टी ठीक है अब हमने रिलेशन किया था सीवी और सीपी में Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर यही होता है यानी सी पी इज इक्वल टू आर प्लस इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूं Cp, है ना तो मैं क्या करूंगी इसकी जगह क्या किया मैंने सीपी डेल्टा टी ये डेल्टा एच आ गया ठीक है एंथेल्पी हमारे पास आ गई चेंज इन एंथेल्पी आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया ठीक है इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया था सीवी आ गया था वहां पे सीपी आ गया समझ आ गया ये अब देखो हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन यानी वर्क डन का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है ठीक है है एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में गिवन तो हमारा चेंज इन हीट क्या हो जाएगा जीरो है ना फर्स्ट लॉ हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में सब में सेम सेम प्रोसेस है बस आपको हेडिंग ध्यान से पढ़नी है कंडीशन क्या गिवन है वो ध्यान रखना बाकी कुछ भी नहीं है ठीक है इसमें क्या करेंगे डी यू फर्स्ट ला कर ली क्यों प्लस या डेल क्यू लिख लो प्लस वर्क डन ठीक है ये तो क्या हो गया जीरो हो गया तो डी यू इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ठीक है ये चीज समझ आ गई अब हमारे पास क्या है डन जो है वो किसके इक्वल होता है डन किसके इक्वल होगा माइनस पी के ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई ठीक है अब क्या कर सकती हूं मैं इसको कंपेयर कर सकती हूं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अगर मैं कंपेयर करूं तो किसके इक्वल है ये दोनों सेम है ना तो डी यू इज इक्वल टू माइनस पी या गया ठीक है अब हमारे पास क्या है एक रिलेशन होता है सी वी ही सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी तो क्या करेंगे डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है अब मैं इन दोनों को ये थर्ड है ये फोर्थ है ठीक है अब इन दोनों को कंपेयर करें सेम है यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी इज इक्वल टू सीवी डी टी यही है है ना तो इसमें मैं क्या करूंगी वर्क डन इज इक्वल टू सीवी टी वन डी टू इंटीग्रेट कर दूंगी डी टी को इंटीग्रेट करूंगी तो क्या हो जाएगा सी वी टी टू माइनस टी वन अपर वाली माइनस लोअर वाली वैल्यू ठीक है तो हमारे पास ये क्या आ गया वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया ठीक है दो मेथड है ये वाला सिंपल सा है इजी सा है तो आप इस मेथड से कर सकते हो समझ आ गया ठीक है अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है इस पोर्शन में क्या क्या है तीन चार न्यूमेरिकल करते हैं अब देखो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू फाइंड आउट करने है ठीक है वेन गैस ऑब्जर्व 150 फिफ्टी जूल ऑफ हीट यानी हीट कितनी ले रही है वो हीट कितना 150 फिफ्टी जूल ठीक है एंड एक्सपेंड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.10 पॉइंट वन जीरो एटमोसफियर यानी प्रेशर जो है वो कितना गिवन है एक्सटर्नल वन पॉइंट वन जीरो एटमोस्फियर ठीक है फ्रॉम वॉल्यूम 1.0 पॉइंट जीरो टू वन लीटर वॉल्यूम जो चेंज हो रही है यानी V1 है हमारा 1.0 लीटर और V2 है मेरा 4.0 लीटर ठीक है तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है हमें तो V इज इक्वल टू फोर माइनस वन थ्री लीटर ठीक है ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया अब देखो हीट गिवन है प्रेशर गिवन है वॉल्यूम गिवन है ठीक है और फाइंड आउट क्या करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग होएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है क्यू प्लस डब्लू यही था ना डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अब हमें फाइंड आउट करना है डब्ल्यू की वैल्यू वर्क डन क्योंकि क्यू हमें गिवन है वर्क डन फाइंड आउट करना है वर्क डन है देखो एक्सपेंड हो रही है एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन क्या आएगा माइनस पी डीवी है नीवन है, है तो प्रेशर कितना है वन पॉइंट वन जीरो इन टू वॉल्यूम कितना था चेंज इन वॉल्यूम मैंने निकाल लिया पहले ही थ्री ठीक है अब हम करेंगे इसको क्या यही आएगा है ना अब हमें गिवन है कि लीटर एटमॉस्फेयर है ना लीटर एटमॉस्फेयर को चेंज करना है जूल में ठीक है तो ये क्या है मेरा यहां पे यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर अब इसको मुझे चेंज करना है जूल में ठीक है तो इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही ठीक है तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं थ्री पॉइंट थ्री जीरो इंटू वन जीरो वन पॉइंट थ्री ठीक है तो ये क्या आंसर आएगा जूल में आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा मैं देख लेती हूं नियर अबाउट एग्जैक्ट माइनस थ्री थ्री फोर थ्री थ्री फोर पॉइंट टू नाइन ठीक है इसको कैलकुलेट करके देख लेना ये हमारा आ गया वर्क डन ठीक है अब वर्क डन आ गया ये लीटर एटमोसफियर समझ आ गया वॉल्यूम हमें गिवन है लीटर में वॉल्यूम हमें गिवन है लीटर में प्रेशर जो गिवन है वो एटमोस्फियर में तो यूनिट क्या होगी लीटर एटमोस्फियर होगी अब इसको कन्वर्ट करना है जूल में तो अगले पहले ही गिवन है हमें कि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वर्क डन आ गया अब डेल्टा यू हीट कितनी गिवन है 150 जूल गिवन है है ना इनटू में क्या कर देंगे माइनस थ्री पॉइंट सॉरी थ्री थ्री फोर पॉइंट टू नाइन अब जो आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद वो हमारा क्या आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ठीक है इसमें आया है आंसर माइनस वन एट नाइन पॉइंट टू नाइन समथिंग फोर ठीक है ये फोर जूल समथिंग इतना ही आंसर आया इसका ठीक है कैलकुलेट कर लेना ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल अब हम करते हैं सेकेंड अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क परफॉर्म बाय अ सिस्टम ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर फोर मोल्स ऑफ आइडल गैस मोल्स कितने गिवन है एन की वैल्यू गिवन है फोर आइडल गैस है फ्रॉम वॉल्यूम हमें गिवन है वन लीटर टू टेन लीटर V1 वन वन लीटर वी टू टेन लीटर टेम्परेचर हमें गिवन है टू नाइन एट कैलवीन आर की वैल्यू गिवन है एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैलवीन पर मोल ठीक है ये चीजें हमें गिवन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क फाइंड आउट करना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में तो हमने जो फॉर्मूला किया था वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन कितना था माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉग वी टू बाय यही फॉर्मूला था सारी वैल्यूज हमें गिवन है तो क्या करेंगे माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन की वैल्यू कितनी है फोर फोर मोल्स गिवन है ठीक है आर की वैल्यू कितनी गिवन है एट पॉइंट थ्री वन फोर है टेन वी वन है वन ठीक है ये लॉग वन हो गया यानी माइनस थ्री पॉइंट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू फोर इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर लॉग टेन लॉग टेन की वैल्यू वन होती है ठीक है तो आप इसको सोल्व कर लेना कंप्लीट वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू आएगी जूल में उसको फिर आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट्स को आगे करके ठीक है ये क्वेश्चन समझ आ गया इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ आंसर इसकी वैल्यू आएगी माइनस टू टू एट टू थ्री पॉइंट थ्री जूल ठीक है तो इसकी अगर मैं शिफ्ट करूंगी जूल में करेंगे तो माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट एट टू लिख देंगे ठीक है ये हो गया मेरा ओके okay. ये आंसर है ठीक है बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर वन थर्मोडाइनेमिक्स पार्ट वन मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग के के और एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक करवा दिया है फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेंगे सो so, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना थैंक यू